क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी क्या है? आपने इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। भारत सरकार अब इस पे मुखर हो रही है और भारत सरकार ने भी इस करेंसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इसकी तत्काल जानकारी यह है कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने शुक्रवार को लखनऊ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा की। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने को प्रतिबद्ध है। संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को सूचीबद्ध किया तो गया है। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि चालू सत्र में इससे जुड़ा कानून नहीं लाया जाने वाला है। अगले सत्र में भी विधेयक लाए जाने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे एक अस्थायी समिति को भी सौंपा जाएगा। आगे RBI ने कहा है कि रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 592वीं बैठक लखनऊ में गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बोर्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हाल ही में सरकार ने संसद को बताया था कि उसे अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 में संशोधन के लिए RBI से एक प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव में डिजिटल करेंसी को मान्यता देने के लिए बैंक नोट की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने की बात कर रही है। दरअसल RBI की इच्छा है कि भारत में डिजिटल करेंसी को भी बैंक की नोट की परिभाषा में शामिल किया जाए। इसे डिजिटल रुपये के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा बैंक कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की शुरुआत को चरणबद्ध तरीकों से काम करना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो के प्रयोग को लेकर केंद्रीय बैंक का रुख किसी से तो छुपा नहीं है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने तो इसे आर्थिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बता चुके हैं। हालांकि इस पर किसी तरह का रेगुलेशन तो नहीं है। RBI ने कहा है कि बोर्ड ने मौजूदा घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, उभरती चुनौतियों और उसे निपटने के उपायों पर भी समीक्षा कर रही है। अर्थात आने वाले समय में मुद्राओं की परिभाषाओं में और मुद्राओं की रूपरेखा में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी जिसकी हलचल पूरे विश्व में मची हुई ये है क्या? तो यह एक अदृश्य मुद्रा है जो दिखती नहीं है, जिसकी सिर्फ वैल्यू करके आप उसका शेयर ले सकते हैं और दे सकते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी की, जिसे हम डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, इसकी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी होड़ मची हुई है और पूरे विश्व में लोग इसका शेयर ले रहे हैं और शेयर दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकलता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जानकारों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी या किसी तरह की डिजिटल करेंसी जैसी व्यवस्थाएँ आपको आने वाले समय में आर्थिक रूप से अंधकार में ढकेल सकती है, क्योंकि न तो इसकी कहीं स्थिरता है, न इसकी कहीं जिम्मेदारियां हैं और यह एक अदृश्य मुद्रा की भांति कार्य करती है, जिसका किसी भी तरह का निश्चित होना, किसी भी तरह का सिक्योरिटी देना, किसी भी तरह की सुरक्षा करना या किसी भी तरह की आर्थिक अदायगी करना संभव अभी नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल भारत सरकार इस पर चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी मान्य होती है कि नहीं होती है। पुनः मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।